आप सभी लोगों को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में 2022 में आपकी विधानसभा चुनाव है और अब आप लोग देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में नई नई यूनिवर्सिटियों का उद्घाटन हो रहा है, नाम बदलने की प्रक्रिया चल रही है और अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा बनारस में एक राजा के नाम का उल्लेख किया गया है, राजा सोहेल देव के बारे में। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि राजा सोहेल देव के बारे में एक सामान्य चर्चा कर लेंगे। और ऐसा कहा भी जाता है, देखिए, कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हर पार्टी की नजरें रहती हैं, क्योंकि जो दिल्ली की सत्ता है, दिल्ली की गद्दी है, इसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों कहते हैं, तो एक बार आप लोग उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, भारत को देख लीजिए। तो ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखेंगे तो एशिया में आपको भारत देखने को मिलेगा, पड़ोसी में श्रीलंका है, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और यहाँ आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो ये है आपका वाराणसी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए एक बात तो हमेशा याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, सब सभी राज्यों में सबसे ज्यादा सीटें आपको उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेंगी। और इसीलिए आप देखते हैं कि अधिकतर प्रधानमंत्री आपके उत्तर प्रदेश से ही चुन के आते हैं, मतलब उनका चुनावी क्षेत्र कहाँ रहता है, उत्तर प्रदेश ही रहता है। अब इससे पहले आप लोग प्रधानमंत्री साहब को देख लीजिए, बनारस से चुनकर आए थे, इस बार भी वो बनारस से ही चुन के आए हुए हैं, समझ रहे हैं? तो उत्तर प्रदेश की अगर राज्य बनाने की बात हो तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को राज्य बनाया गया था, और इसीलिए आप देखते हैं कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी राजधानी आपको मालूम होना चाहिए लखनऊ है। और यहाँ के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ देखने को मिलेंगे, और अगर राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल देखने को मिलेगी, और यहाँ विधानसभा में बात करें तो 403 सीटें देखने को मिलेगी, और विधान परिषद भी है उसमें 100 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में आपको 31 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा में आपको 80 सीटें देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि राजनीतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश इसलिए महत्वपूर्ण रहता है। चलिए, अब प्रधानमंत्री ने क्या कहा है उस पर हम लोग बात करते हैं पहले। और याद रखिए, इस तरह की अगर प्रधानमंत्री कोई बात कहते हैं, किसी राजा के बारे में बात करते हैं, तो वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बनारस में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सलार मसूद और राजा सोहेल देव के बीच लड़ाई का जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है। अब आपने देखा होगा ओपी राजभर के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा ओम प्रकाश राजभर के बारे में, इन्होंने राजा सोहेलदेव के नाम पर एक पार्टी का ही गठन कर लिया, राजनीतिक पार्टी ही बना ली, उसका नाम है सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। तो आप समझ सकते हैं कि राजा चुनावी चुनाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं वोट बैंक के लिए। तो आप आपके मन में आ रहा होगा कि सलार मसूद आखिर कौन था, तो याद रखिए सलार मसूद को गाजी मियाँ के नाम से भी आप लोग जानते थे, और 12वीं शताब्दी में एक योद्धा के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। और खासकर आप लोगों ने उत्तर प्रदेश का अगर ये इतिहास पढ़ा होगा तो इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 11वीं शताब्दी के तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनी का ये भतीजा था, कौन? सलार मसूद। उत्तर प्रदेश की बहराइच में उसका मकबरा आपको देखने को मिल जाएगा, और वही बड़ी संख्या में मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी तीर्थ यात्री और दर्शन करने आते हैं। एक बात और आपको बता दूं इसमें कि अगर आपसे कभी क्वेश्चंस आगे आता है उत्तर प्रदेश में, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, या इस आप देखिए सेंट्रल लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं, अन्य राज्यों के जो भी एग्जाम होते हैं, तो ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है शायद कि सलार मसूद का मकबरा कहाँ है। तो याद रखिए इनका वहराइच में, सलार मसूद काठियावाड़ में सोमनाथ पर आक्रमण करने सहित महमूद गजनी के सभी अभियानों के साथ रहा है। और कहा जाता है कि मसूद ने ही अपने चाचा गजनी को सोमनाथ की प्रसिद्ध मूर्ति ध्वस्त करने के लिए राजी किया था। और आप सभी लोगों ने इतिहास में पढ़ा भी होगा कि सोमनाथ को किसने ध्वस्त किया था, किसने इसे नुकसान पहुंचाया था, गजनी ने। और इस कार्य को फारसी कविताओं में बार बार एक महान उपलब्धि के रूप में महिमा मंडित किया जाता है। गाजी मियाँ के बारे में जानकारी सबसे व्यापक सरोद मिरात ए मसूद है, और यह चिश्ती परंपरा के सूफी संत अब्दुल रहमान चिश्ती द्वारा रचित 17वीं शताब्दी की फारसी में संचरित ये रचना है। तो एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मिरात ए मसूद है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, किसकी रचना है, या तो याद रखिए रहमान अब्दुल रहमान
चिश्ती की है। कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर ने गाजी मियाँ की दरगाह के रखरखाव के लिए 1571 में ईस्वी में भूमि दान दी हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। अब बात आती है कि इनके राजा जो सोहेल देव थे और सलार मसूद के बीच युद्ध की, तो सलार मसूद और राजा सोहेल देव के बीच युद्ध इतिहास मिथक दोनों का मिश्रण है। अभिलेखों की अगर हम लोग बात माने तो बहराइच में 1034 ईस्वी में एक युद्ध के दौरान मसूद और सोहेल देव के नाम के एक स्थानीय राजा का आमना सामना हुआ था और युद्ध के दौरान मसूद एक तीर से घायल हो गया था और उसने दम तोड़ दिया था, यानी कि उसका राम नाम तत्व हो गया था और वह योद्धा के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए मारा गया और इसलिए उसे शहीद का दर्जा यानी कि गाजी मियाँ की उपाधि दी गई थी। तो ये कहा जाता है कि ये राजा दूसरी तरफ जो युद्ध कर रहे थे ये राजा सोहेल देव थे। और राजा सोहेल देव के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये आप देखेंगे श्रावस्ती, सोहेल देव श्रावस्ती वर्तमान उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक प्रसिद्ध राजा थे और माना जाता है कि सोहेल देव भर समुदाय के राजा के सबसे बड़े पुत्र थे। राजभर ओपी राजभर आप समझ रहे हैं, उनकी भी अपने एक तरह से कहते हैं कि हमारी ही जाति के थे और भारत समुदाय से ही इस क्षेत्र के एक दलित जाति समूह पासी समुदाय का उदय हुआ था। और आपको देखने को मिलेगा कि बनारस वाले क्षेत्र में ओपी राजभर का काफ़ी एक तरह से दबदबा है, इस बात को आप भी जानते हैं, वो उस तरफ से ही चुन के भी आते हैं विधानसभा में और पिछली बार आप देखते हैं कि बीजेपी से उनका गठबंधन था तो उसका फायदा बीजेपी को मिला था। और इस क्षेत्र के प्रचलित इतिहास में इनके लिए सोहेल देव, साकार देव, सहर देव, सोहेल देव सहित कई नामों से जाना जाता है और समकालीन मुद्रण परंपरा में इन्हें राजा सोहेल देव के रूप में जाना जाता है। तो ये हैं आपके सोहेल देव। देखिए स्मारक वो सिक्का भी देख लीजिए, 500 भारत सरकार के द्वारा 2018 में महाराजा सोहेल देव। इन दोनों शख्सियतों को लेकर अगर विवाद की बात करें गाजी मियाँ की और सोहेल देव की, तो गाजी मियाँ की पूजा करने वाले कुछ लोग सोहेल देव को स्थानीय जनजाति के राजा के रूप में देखते हैं और इनमें से अधिकांश लोग मुस्लिम हैं और ये राजा सोहेल देव को अपने ऊपर शासन करने वाले बाला एक अत्याचारी और उत्पीड़क राजा मानते हैं। और हालांकि आपको बता दूं कि इसमें राजा सोहेल देव को एक वीर योद्धा भी माना जाता है और उन्हें हिंदुओं यानी कि भारतीय धर्म और संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश करने वाले विदेशी आक्रमणकारी गाजी मियाँ के खिलाफ युद्ध करने वाले एक उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो एक तो आपको बता दूं, देखिए उस समय इस तरह का कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि लिख दिया जाए तो वो हमेशा बना रहे। उस समय आपने देखा होगा जो लिखा जाता था, जो किताबें लिखी जाती थी वो या तो खत्म हो गई है या आप देखिए कि वो किताबें बची हुई हैं जो आप सोचिए कि विदेशियों ने लिखी हुई थी, तो उस पर हम लोग भरोसा भी ज्यादा नहीं कर सकते। और महाराजा सोहेल देव की स्मृति उत्सव मनाया जाता है आज के दिन, ठीक है। और फरवरी 2016 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष थे अमित शाह ने सोहेल देव को एक राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया था और बहराइच में उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया था और भारतीय रेलवे द्वारा गाजीपुर से सोहेल देव एक्सप्रेस की शुरुआत भी की गई थी और 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में सोहेल देव की एक प्रतिमा स्थापित करने संबंधी एक योजना की स्थापना भी की हुई थी। तो ये कहानी है आपके सोहेल देव की। इनके बारे में एक सामान्य चर्चा एक जानकारी अपने पास याद रखा करिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग उसका आंसर आराम से दे सके, समझ रहे हैं। क्योंकि आप देखिए आप भी जानते हैं इस बात को कि जो टॉपिक सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है आपसे क्वेश्चंस परीक्षाओं में वहीं से पूछा जाता है, ये सामान्य सी बात है, ठीक। तो आप लोग एंजॉय करिए, हम लोग तो मिलते ही रहेंगे अगली क्लास में।